करो ना, टूट गए तो हमारी ही लो, छोड़ो ना ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आजकल आपको मेरे व्लॉग बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आज आपका भाई फ्रेंड चेहरा अपना लेकर आया। बाल आ गया ना, थोड़ा अच्छा अच्छा दिखने लगा हुआ ना, पहले तो बड़ा अजीबो गरीब लग रहा था। बाकी सारी बातें छोड़ के आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि मेरी फ्रंट किट गाड़ी की टूट गई हुई है क्योंकि वो खड्डा था, मुझे नज़र नहीं है रात के अंधेरे में। उसकी फ्रंट स्क्रीन भी ब्लैक है तो रात को बड़ी डिफिकल्टी होती है, उसके शीशे भी ब्लैक है लाइट्स के तो नज़र नहीं आता। लेकिन उन सब चीज़ों से हट के वो खड्डा था, खड्डे में लग गई किट तो टूट गई, कोई बात नहीं, नज़र लग गए तो लग गए, क्या हुआ। दोबारा से अभी दोबारा नई किट बनवाने के लिए मिलती है। आज क्या बताऊँ, इसका प्रॉपर फिटिंग ही बनवाता हूँ, इसलिए ना टाइम लग जाता है। वो पहले साइज़ पूरा लेते हैं, एक एक चीज़ प्रॉपर फिटिंग होती है। और आई थिंक तो वो पीछे मेरी गाड़ी खड़ी थी, मैंने निकाल ली उन्होंने, तो मुझे भी निकाल लेनी चाहिए अब। तो फिर आपको बाकी सीन आप रस्ते में दिखाते रहते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आज राणा दानी नहीं जा रहे, राणा दानी साहब जी गाँव जा रहे हैं अपने अपना आईफोन ले कर, अभी तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वो। उसके बाद अंधेरा हो गया गाड़ी में क्योंकि ये कार शीशे काले हैं। पता नहीं मैं नज़र आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा, मेरे ख्याल है नहीं आ रहा, मैं देख लेता हूँ पहले कैमरा बैक करके। शीशा नीचे कर, लेकिन आपको बाहर से शोर बहुत आ रहा होगा, ठीक है। मैं पहुँच लूँगा शिदाज भाई की तरफ, तो फिर आपको दिखाता हूँ कि किट का क्या बना क्या नहीं। वैसे फिर भी टाइम वेस्टेज भाई, ये मसला होता है और तो कोई मसला नहीं होता। टाइम का बनी बनाई मिल जाए ना, 10-30 सेकंड में लगाई पेंट पुंट हुआ हो फिर तो मज़ा आ। मैं एक एक्स्ट्रा किट लेके घर ही रख लेनी है कि कहीं भी लगे 10-30 लगाई, उम्र कहानी ख़त्म, सुकून भी है। हाँ मैं पहुंच गया इशफाक भी एक बार, शिदाज भी एक बार कल भी। अच्छा मैं इशफाक लगा था, मतलब जैन इशफाक कहाँ से चढ़ गया हुआ है, लेकिन शिदाज भी गया, ठीक है। और ये इन्होंने किट हाफ रेडी कर ली, मैं आपको दिखाता हूँ। ये टूटी हुई थी मेरी यहाँ से, यहाँ तक तो हिस्सा ही नहीं ना था। इशफाक भी शिदाज भी सॉरी शिदाज भी गुस्सा ना करना, ठीक है। ये यहाँ सारी दोबारा रेडी की है, और वही एक एक ही चीज़ है ना, वन पीस हो गई जैसी सेटिंग थी, अभी बस यहाँ से कटिंग कटी होनी है। आपने पूछा नहीं हुआ क्या, हुआ क्या था वो खड्डा नजर ही नहीं आया मुझे। अच्छा। बस मैं दस्ती मोड़ने ही कर रहा था, खड्डे का ठक करके बजी है नीचे। उस टाइम पे लगा हुआ था वो, कहीं मैं गाड़ी से आगे कर लेके आया हूँ ना, वो कहीं फिर रास्ते में कहीं हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। अभी ये बस इंशाल्लाह दुआ करें वैसी फिटिंग आई जैसे पहले थी। अच्छा इसकी लेयर के साथ इसको लेयर में डाई में रख के उसको बनाया, अलग से जोड़ नहीं डाला। इसको भी जैसे मर्जी प्रेस करो। हाँ जैसे मर्जी ना 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 करी ना, लेकिन नहीं छोड़ करो दे। ना ना मुझे फिर भी दुख होगा। सरकार करो ना, टूट गए तो हमारी है, ये लो छोड़ो ना ना। ओए 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 ना जी, आप गुस्सा नहीं करना आपने। और कैसा है, क्या हाल है, ठीक ठाक। दोबारा बार पीस ही भारी भरा है, और अभी इसको मजीद यहाँ पे इसकी शेप सेट हो जाएगी ना तो मजबूत हो जाएगा और ज्यादा। ये गोदाम है यहाँ पे जहाँ पे सारा इनका माल तैयार होता है, और डाइयाँ पड़ी हुई हैं जैसे डाई होती है, जो उनसे आप हो गए वो खारी बना देंगे पाइपर का। ये तो मज़ा है, कुछ भी जैसे मर्जी बन जाता है वो मेरी लगी। फिलहाल मैंने ट्रिपल लेयर हो गया, डबल ट्रिपल, वो दोबारा देखना वहाँ से गिल है, और जहाँ से अभी कट लगे वो प्रॉपर फिटिंग में बनाने के लिए ना उन्होंने दोबारा से लगाया, और आप इसको दोबारा चेक करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह पेंट होगी, शायद आज ना लगे कल लग जाए क्योंकि अभी इसको ड्राई होने में टाइम लग जाएगा। अच्छा मगरिब की जान हो रही थी इससे मैंने ना वीडियो नहीं बनाई। मैं आप लोगों को बता दूं कि अब ना इंशाल्लाह कल तो 23 मार्च है छुट्टी है, लेकिन 23 मार्च को ही आप लोग व्लॉग देख रहे होंगे, और कल यानी कि मैं नहीं आऊँगा, फिर परसों आऊँगा, तो एक दिन यानी व्लॉग नहीं आएगा। या आप ये कोई पता नहीं, गारंटी नहीं है, और इसलिए पक्का काम करवा रहे हैं तो उस चीज़ को टाइम भी लगेगा। प्रॉपर फिटिंग बनाने में हमेशा टाइम लगता है क्योंकि मैं एवं खरपेचे नहीं लगाता, मैं सिर्फ साइडों में खरपेचे लगाता हूँ, बम्पर पे खरपेचे में आई मीन टू से पेच, और चलो हाँ दो बेचो में एक ही साइड पे और एक साइड पे एंड पे, बस जब मर्जी उतार लो जब मर्जी लगा लो। दरमियान बम्पर पेंट लगाता, हो सकता है कि बम्पर भी पेंट करने के लिए हम दे दें अगला, सोच रहा हूँ अभी शोरूम से ही।
आपका मतलब क्या है वहाँ से किट का तो आपको मैं सारा बता चुका हूँ कल ब्लॉग में, मतलब कि पिछले दो ब्लॉग थे वो भी मैं हटा रहा हूँ क्योंकि वो चलो मेरी बात होगी उनसे, क्या नाम है होंडा डे वालों से, ठीक है, नहीं नाम नहीं चलो मैं लेता, सबसे मेरी बात हो गई है तो बात ख़त्म हो गई है, तो कोई इतना रो रहा है बीच में, बस आगे लगाने वाले बहुत होते हैं जो जान के बात उछाए, तो उन्होंने कहा कि यार हमने तो आपको नहीं कहा था कि आपकी वजह से हुआ है, मतलब कि मैं भी अभी हाइपर हो गया, चलो मेरी एज भी ऐसी मैं हाइपर हो गया, मैंने भी कह दिया, तो बाकी कोई इतना रो रहा नहीं, हमारा मसला हल है, तो वो ब्लॉग है चलो मैं हटा देता क्योंकि मैंने उसमें थोड़ी बहुत बातें कर दी थी, जब उन्होंने नहीं लगाया तो फिर अब मेरा भी नहीं बनता, उन्होंने मूव किया, बाकी जिन्होंने किया हुआ बीच में तीलियाँ लगाने वाले वो मेरे ज़्यादा जाएँ पहाड़ में, ठीक है भाई जो मर्जी करो, मुझे पता तो मेरे ब्लॉग देखते हो, 100 बारी देखो लाख बारी देखो जो करना है कर लो, इधर ही फिरता हूँ इधर ही रहता हूँ, इससे लादा हट के दुआओं में भाई को याद रखना, ठीक है इंशाल्लाह फिर 23 मार्च को तो बात नहीं होगी, छुट्टी है छुट्टी है, हाँ छुट्टी है छुट्टी है, लेकिन फिर भी हो सकता है हम कहीं ना कहीं जाएंगे क्योंकि हमारा पता कुछ नहीं होता, कल मैं कल जिम से भी छुट्टी होगी फिर तो, जिम से छुट्टी कल इंजॉय यार ना कर यार, मैं पहले दो छुट्टियां कि मैं बड़ा ऐसा कर लॉस हो गया, लेकिन कोई बात यहाँ का मैंने एक दफा ये तो धमाका मार देना चेक करना बस आप लोगों ने करना गया, एक ही दफा आप लोगों को दिखाएंगे सारा कुछ, बाकी दुआओं में बस यार रखना अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में लगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, याद से लाजमी सारी अपडेट्स वहीं पे देता हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़।